सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स, और आज हम आ जाते हैं उसके सेकंड पार्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। बोला दिस स्पेस प्रोजेक्ट विल ट्रैवल थ्रू द सन, सबसे पहले तो इस सन के एटमोसफेयर में जाएगा, सन की सरफेस के बिल्कुल क्लोज जाएगा, और फेसिंग ब्रूटल हीट, बहुत ज़्यादा हीट को फेस करेगा, रेडिएशन को फेस करेगा, और अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को क्लोजेस्ट एवर ऑब्जर्वेशन देगा किसी भी स्टार के। तो हमें बताना है ये स्पेस प्रोजेक्ट किसके बारे में बात करनी है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है, तो आपको बताना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट है। पार्कर प्रोब है, ठीक है, पार्कर प्रोब मिशन है। तो आपको ये तो पता ही होनी चाहिए किसका मिशन है पार्कर प्रोब, नासा का है। कौन पहुँचाना चाहता है, नासा पहुँचाना चाहता है बिल्कुल पास में। ये ट्रेस करेगा कि जो एनर्जी है वो कैसे रेडिएट होती है, सोलर कोरोना, सोलर विंड से कैसे एक्सेलरेट होती है, उसके बाद प्लाज्मा या फिर जो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो कैसे एक्सेलरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें वो डिस्कवर करेगा। नासा का प्रोब है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है, कि ये सब पार्कर प्रोब किसका है, नासा का है। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यू होराइजन, देखो न्यू होराइजन ये भी किसका है, ये भी नासा का ही मिशन है, याद रखना, ये न्यू होराइजन ये भी नासा का ही मिशन है। ये मेनली किसको स्टडी करने के लिए जा रहा है, अल्टिमा थुले को। अल्टिमा थुले आपने सुना होगा, अल्टिमा थुले, अल्टिमा थुले एक मतलब वो है, मतलब वो है कुपर्स बेल्ट में एक बॉडी है, कुपर्स बेल्ट में है एक बॉडी, मतलब नेपच्यून से भी आगे जाके, ठीक है, वहाँ पे एक बॉडी है। तो ये बिल्कुल सोलर सिस्टम से बाहर निकल के ये अल्टिमा थुले एक बॉडी, तो ये बियॉन्ड नेपच्यून है, तो ये उसको स्टडी करने जा रहा है, नासा का है। तो ये अल्टिमा थुले को ये न्यू होराइजन, मतलब बिल्कुल सोलर सिस्टम से बाहर निकल के ही जा रहा है। फिर है वोएगर 3, वोएगर के बारे में आपने सुना होगा, ये भी नासा का ही, मतलब वोएगर 3 क्या है, ये नासा का ही मतलब एक मिशन है ना वोएगर, ठीक है। ये मेनली क्या करने के लिए जा रहा है, जो भी हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, गैशियस प्लैनेट्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए जा रहा है। गैशियस प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए गया, जैसे कि जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, ठीक है, इन सबको स्टडी करने के लिए जा रहा है। फिर आ जाता है हमारा क्या, लीजा पाथफाइंडर, ठीक है, लीजा पाथफाइंडर के बारे में तो यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये मेनली क्या है, मतलब ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी करने के लिए है, ये ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए है, ठीक है, वेव्स को स्टडी करने के लिए, जिसमें मेनली 3 स्पेसक्राफ्ट मेनली वो होंगे, 3 स्पेसक्राफ्ट का मेनली ग्रुप होगा इसमें, ठीक है। किसका है ये, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है मेनली, किसका है ये, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है मेनली, ठीक है, याद रखना इसको। और जो मतलब ये तो लीजा पाथ फाइंडर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, एक था हमारा लीजा मिशन, लीजा मिशन किस किस का था याद रखना, वो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों का मिला के था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लीजा पाथ फाइंडर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और ये लीजा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों का था, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, पार्कर प्रोब के बारे में बात करें, ये कब लॉन्च हुआ था, 2018 में, और इन्होंने मतलब 2019 में तो इन्होंने डिस्कवरी भी बता दी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब सन का, वो जिगजैग स्ट्रक्चर में विंड मतलब मूव करता है, ठीक है, सोलर विंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जिगजैग स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम स्विचबैक्स बोलते हैं, ठीक है, स्विचबैक्स बोलते हैं। तो याद रखना, अगर कभी आ जाए कि स्विचबैक्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है, तो याद रखना स्विचबैक्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो जिगजैग स्ट्रक्चर होता है ना सोलर विंड में, उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, स्विचबैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। G20 की ट्रोइका के बारे में बताना है। कल परसों ही मैंने बताया था कि अगर G20 कंट्रीज के बारे में बताया था कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, और ट्रोइका मतलब अभी कौन सी, मतलब प्रेजेंट कौन सी प्रेजिडेंटशिप ले रखी है, उससे पहले कौन सी थी और उसके बाद कौन सी होगी, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज ग्रुप को बोलते हैं G20 ट्रोइका। तो अभी रिसेंटली कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रोइका में आती हैं, तो याद रखना ये तीनों ही कंट्रीज़ ट्रोइका में आती हैं, ठीक है, ये तीनों ही कंट्रीज़, मतलब जब ये मतलब लेक्चर बनाया गया था तो तीनों ही कंट्री थी। इंडिया की जो है 2022-23 में थी, ठीक है, इंडिया तो 2022-23 में लेने वाला था, और उस टाइम पे इसराइल जो था, सॉरी इसराइल, वन सेकेंड, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इसराइल नहीं है, यहाँ पे इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पे, ये चीज़ ठीक ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो ये इंडिया है, यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे इटली है, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेनली वो हो रही है, ठीक है।
तो ये इंडोनेशिया जो थी ये कंट्री, उसमें मतलब प्रेसिडेंसी पीरियड 2021 2022 में उसके पास था, फिर हम लेने वाले थे, और उससे पहले किसके पास था, इटली के पास था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उसके पास उससे पहले 2021 में इटली के पास था, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये ट्रोएका का ग्रुप बनाती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतलब अगर हम यहाँ पे इंडोनेशिया लिख देते हैं तो सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और अगर वहाँ पे इंडोनेशिया नहीं होता है तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारी करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। इसका मतलब आपको पता चल गया कि G20 जो भी कंट्रीज है वहाँ पे उनका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं होता है, और ये जो भी डिसीजंस मेनली निकालती हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे कौन से डिसीजन होते हैं, नॉन बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं, कौन से डिसीजंस होते हैं, यहाँ पे नॉन बाइंडिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। तीसरी चीज़ अगर बताएं, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो IMF और एक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एक IMF एक वर्ल्ड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेनली हर एक कंट्री का कौन आता है यहाँ पे, शेरपा वो होते हैं, हर एक कंट्री जो है अपने वहाँ से रिप्रेजेंट करती है किसको, शेरपा को, जो प्लान करता है, गाइड करता है, इंप्लीमेंट करता है अपनी कंट्री के लीडर के बिहाफ पे, ठीक है, उस कंट्री में। और करंट हमारे इंडिया का मतलब जो कौन है, मतलब शेरपा कौन है वहाँ पे G20 कंट्रीज़ में, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, कौन है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, मतलब सी हो गया इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि सेकंड इसराइल दे रखा था, वो नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, CBI के बारे में हमें बताना है, CBI के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, देखो ये बोल रखा है कि इट कम्स, अभी आती है, देखो बिल्कुल भी नहीं, जब ये 1963 में थी, जब ये 1963 में बनी थी तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिजोल्यूशन से बनी थी, लेकिन बाद में इसको किस में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBI वॉज रिकमेंडेड बाई संथानाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, बिल्कुल संथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बनी थी, और CBI CBUC की रिकमेंडेशन पे बनी थी। थर्ड है, द CBI नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, ड्राइव्स द पावर्स फ्रॉम दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मेनली बिल्कुल ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, और मेनली ये पावर कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ही लेती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके बाद ये मेनली क्या करती है, CVC और जो लोकपाल है उसको भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, CVC और लोकपाल को भी असिस्टेंस प्रोवाइड हमारी करती है। ये संथानाम कमेटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए कब बैठी थी, 1962 से 64 के बीच में बैठी थी, ठीक है, 1962 से 64 के बीच में बैठी थी। इसके अलावा मतलब जो इसके डायरेक्टर होते हैं CBI के, अभी उसका टाइम पीरियड बढ़ाने के बारे में बात चल रही थी, कितना, 5 साल, अभी कितना है, 2 ईयर्स है, ठीक है, 2 ईयर्स है, और उसका 1 एनुअल एक्सटेंशन कर देंगे, 3 एनुअल एक्सटेंशन उसको दिए जाएंगे, तो 5 साल उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा टेन्योर जो है इसका 2 ईयर्स जो होता है वो किस एक्ट के अंडर होता है, याद रखना CVC एक्ट के अंडर होता है, CVC एक्ट के अंडर होता है 2003, ठीक है। और जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के इंस्पेक्टर जनरल भी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के, वो एज ए डायरेक्टर काम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ग्लोबल गेटवे प्लान के बारे में बताना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, किसका, ये USA का प्लान नहीं है, ये यूरोपियन कमीशन का प्लान है। किसका प्लान है, यूरोपियन कमीशन का प्लान है, कि उसमें यूरोपियन कमीशन का प्लान है मेनली क्या है, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें सस्टेनेबल और हाई क्वालिटी डिजिटल क्लाइमेट एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है, ठीक है। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाने की बात है, लेकिन यूरोपियन कमीशन का ये इनिशिएटिव है। सेकंड है, टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट USA विल यूज़ इट्स अमेरिकन फंड, तो यूरोपियन फंड यूज़ होगा ना यहाँ पे, अमेरिकन फंड यूज़ नहीं होगा, तो यूरोपियन फंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज़ होगा, ना कि अमेरिकन। तो ये स्टेटमेंट भी मेरी रॉन्ग हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल गेटवे प्लान कौन सी कंट्री का है, यूरोपियन कमीशन का है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, डी, ठीक है। मेनली इसमें क्या किया जाएगा, 300 बिलियन यूरो
कितना 300 बिलियन यूरो इसमें कलेक्ट किए जाएंगे, 300 बिलियन यूरो कब तक, 2027 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 बिलियन यूरो 2027 तक इसमें मतलब क्या किए जाएंगे, मोबिलाइज किए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि किसका ऑफशूट है, एक G7 कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम आपने सुना होगा B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, क्या बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के बारे में आपने सुना होगा, G7 का इनिशिएटिव था, ठीक है, G7 का इनिशिएटिव था और ये माना जा रहा है कि उसी की एक ब्रांच है जिसको मतलब यूरोपियन कमीशन इंप्लीमेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और ये किसके अगेंस्ट सारे मतलब लग रहे हैं, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको मेनली वो करने के लिए आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, उज्ज्वला स्कीम के बारे में बताना है, किसके बारे में, उज्ज्वला स्कीम के बारे में बताना है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और हेल्थ इसकी नोडल एजेंसी, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, बहुत याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसकी क्या है मतलब नोडल एजेंसी है, ये नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम होगी हमारी, सेकंड है कि हमें इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹1600 फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल हाउस होल्ड, हर एक बीपीएल हाउस होल्ड को ₹1600 का क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। और इसमें क्या किया जाएगा, डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ उज्ज्वला 2 में क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फर्स्ट रिफिल एंड ए हॉट प्लेट फ्री ऑफ पोस्ट दी जाएगी बेनिफिशियरी को, बिल्कुल उज्ज्वला 2 में तो ये सारी चीज़ें क्या दी जा रही हैं, फ्री में भी दी जा रही हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो इसका आंसर अब हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, तो ये सबसे पहले इसका पहला फेज कब स्टार्ट हुआ था, 2016 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मेनली एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए पूर हाउस होल्ड्स को, लगभग 50 मिलियन वुमेन को प्रोवाइड करने के लिए आया था सबसे पहला जो था। उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा कौन सा, सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड फेज हमारा स्टार्ट हुआ तो एडिशनल 10 मिलियन को हमें प्रोवाइड करना था, किसका, एडिशनल 10 मिलियन को हमें जो एलपीजी कनेक्शंस थे वो प्रोवाइड करने थे, और मेन इसमें बेनिफिट पहुंचाना था किसको, माइग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स जो मेनली बाहर रहते हैं, ठीक है, उनको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाना था इस स्कीम का, ठीक है। और बस यही है, अब उनको क्या चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए बेनिफिट लेने के लिए माइग्रेंट वर्कर को। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। आ जाते हैं 31 पे, S-400 मिसाइल के बारे में बताना है, वो लिखे हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, मोबाइल मिसाइल है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। पिछले बार जब क्वेश्चन आया था तो उसमें बोला था सरफेस टू सरफेस है, नहीं है, सरफेस टू एयर है। फिर S-400 ये मोस्ट डेंजरस सिस्टम है, और US जो थर्ड सिस्टम है उससे भी आ गया, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया हमारा सी। इसकी रेंज कितनी है, 400 किलोमीटर, पिछले क्वेश्चन में भी आई थी। एल्टीट्यूड कितना है, 30 किलोमीटर का, ठीक है। इंडिया के साथ इसकी डील हुई है, यस, इंडिया ने भी इसको लेने की बात की है, क्या और क्या इंडिया केवल ओनली एशियन कंट्री है जिसने डील किया, नहीं, चाइना ने भी हमारे इससे पहले डील कर ली है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ, इंडिया और रशिया के बीच में हमारी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, वो कौन सी होती है, वो होती है इंदिरा, कौन सी होती है, इंदिरा, तो इंडिया और रशिया, ठीक है, इंडिया और रशिया, इंदिरा एक हमारी एक्सरसाइज होती है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी। और याद रखना ये क्या है, ये जो S-400 मिसाइल है ये मोस्ट डेंजरस है। इसके अलावा मल्टी फंक्शनल रेडार है, बहुत सारा ऑटोनोमस डिटेक्शन कर लेती है, टारगेटिंग कर लेती है, मैंने बताया लगभग 100 को तो डिटेक्ट करेगी एक साथ में, और उसके साथ जब डिटेक्ट कर रही होगी तो 6 को साथ में निपट जाएगी, ठीक है। उसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी इसको बोलते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी इसके पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर हो गया सी। 32 हमें क्या बोलता है, CACP के बारे में बताना है, मैंने आपको बताया था ये CACP क्या करती है, रिकमेंड करती है MSP को, ठीक है। तो सबसे पहले है C2A2+FL और A2 और वो 2। देखो सबसे पहले तो हमारा C2 क्या होता है, देखो C2 क्या होता है, C2 होता है जो रेंटल और इंटरेस्ट गोन होता है ओन्ड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स पे, उसको बोलते हैं A2 क्या होता है, A2 होता है जितना भी हमारा पेड आउट एक्सपेंसेस होते हैं कैश में काइंड में, जो फार्मर इनकर करता है इनके थ्रू, मतलब जो भी इनपुट्स होते हैं इनके थ्रू, उसको बोलते हैं A2। A2+FL क्या होता है, ये बिल्कुल ये सही होता है, एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट होता है प्लस अनइम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड लेबर, ये सही होता है A2+FL का, ठीक है, A2+FL का सही होता है। तो A2 क्या है, C2 क्या है और A2+FL क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इन्होंने रिकमेंड कर दिया, ठीक है, CACP ने रिकमेंड कर दिया, तो अभी मतलब वो कौन करता है,
इनको अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हेड कौन करते हैं? हमारे पीएम हेड करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ना फर्स्ट सही है ना थर्ड सही है ना ये सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी। लेकिन इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हमारी करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोलता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में बताना है। सबसे पहले डिपॉजिट इंश्योरेंस एक टाइप का इंश्योरेंस होता है जो डिपॉजिटर्स की मनी को दिया जाता है एक प्रीमियम एक्सेप्ट करके। द गवर्नमेंट हैज सेट अप डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अंडर RBI टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इफ बैंक फेल्स। बिल्कुल, अगर बैंक फेल होता है तो इसलिए तो सेटअप की है। प्रीमियम पेड बाय इंश्योर्ड बैंक टू कॉरपोरेशन इज पेड बाय द बैंक्स एंड इज टू बी पास्ड ऑन द डिपॉजिटर। देखो, प्रीमियम जो जो कॉरपोरेशन को दिया जाता है बैंक्स के द्वारा, वो बैंक्स तो देते हैं कॉरपोरेशन को, लेकिन वो डिपॉजिटर्स को पास नहीं किया जाता, डिपॉजिटर्स को पास नहीं किया जाता। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी। और आपको पता होना चाहिए अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो लिमिट है पहले कितनी थी, शायद 1 लाख थी। हाँ, 1 लाख थी, और उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। ये 5 लाख कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसकी जो लिमिट है वो कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। इसका मतलब आपने बैंक में, मान लो कि बैंक है, उसमें आपने 10 लाख रुपए जमा करा रखे हैं। अगर बैंक डूब जाता है तो आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख आपको नहीं मिलेंगे। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए जमा करा रखे हैं, तब भी आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, उसके अलावा मतलब क्योंकि गारंटी आपकी उसी चीज़ की हो रखी है। तो यही है, तो आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर हमारे 34 पे, एशियन पावर इंडेक्स के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? एशियन पावर इंडेक्स के बारे में बताना है। एशियन पावर इंडेक्स बोल रहा है कि सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट जो है वो इसको सबसे पहले रिलीज़ करता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एशियन पावर इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट इसको वो रिलीज़ करता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, इंडिया जो है 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया है एशिया पैसिफिक रीजन में, कॉम्प्रीहेंसिव पावर आउट ऑफ 26 कंट्रीज़। बिल्कुल 4th पावर बन गया है इसमें। और थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया अगेन फॉल शॉर्ट ऑफ मेजर पावर थ्रेशोल्ड इन 2021, बिल्कुल मेजर पावर थ्रेशोल्ड से पीछे रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ओवरऑल पावर एशिया पैसिफिक में है किस किस की। वैसे टॉप 10 पावर्स कौन सी हैं? आपने सुना होगा USA, चाइना, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारी क्या हैं हमारी मतलब एशिया पैसिफिक में हमारी पावर्स है, टॉप 10 पावर्स जो हमारी एशिया पैसिफिक में है, ठीक है। और इंडिया जो है वन ऑफ द 18 कंट्रीज़ है एशिया में जिसका ट्रेंड अभी क्या जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। वो मतलब उसका ट्रेंड क्या जा रहा है? अभी डाउनवर्ड जा रहा है। उसके अलावा अभी इंडिया का ओवरऑल स्कोर मतलब लगभग कितना आया? 37.7 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है कंप्लीट, हमारा आंसर क्या आ गया? डी, सारी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बताना है कि कौन सी स्पीसीज जो है वो इंडेंजर्ड है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडेंजर्ड कौन सी स्पीसीज है। सबसे पहले फिन वीवर बर्ड क्या है हमारी? बिल्कुल क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और पिग्मी होग भी हमारी क्या है? इंडेंजर्ड है। आपने सुना होगा रेड हेडेड वल्चर, ठीक है। रेड हेडेड वल्चर के बारे में अगर आपने सुना हो तो रेड हेडेड जो वल्चर है ये क्या है हमारा? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, वो नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर आप बात करो फिन वीवर बर्ड के बारे में, फिन वीवर बर्ड जो है ना, तो याद रखना इनका नंबर 500 से भी कम है इंडिया में, इनका नंबर 500 से भी कम है। और उसके बाद इसको किस कैटेगरी में डाला गया है? इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया था, ठीक है। पहले इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया था, इसके बारे में बात करें तो, लेकिन अभी इसका मतलब इसका स्टेटस को बढ़ा के क्या कर दिया गया? इंडेंजर कर दिया गया कि इंडेंजर कैटेगरी में अभी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मेनली ये कहाँ पे पाया जाता है? मेनली फिन वीवर्स बर्ड्स ये मेनली तराई ग्रासलैंड्स में पाया जाता है, उत्तराखंड, यूपी, कुछ पॉकेट्स असम में भी पाया जाता है। उसके बाद आ गया हमारा पिग्मी होग। पिग्मी होग आपको पता है क्या है? एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है और मेनली ये किस में पाई जाती है? ये शेड्यूल 1 भी है और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी है।
वेट ग्रासलैंड्स में ये मेनली पाई जाती है। किसमें? पिग्मी हॉग वेट ग्रासलैंड्स में पाई जाती है और वर्ल्ड की रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स की स्पीसीज है ये, ठीक है। और मेनली अभी तो थोड़ी बहुत असम में मेनली पाया जाता है पिग्मी हॉग। उसके बाद आता है रेड हेडेड वल्चर, मेनली मैंने बता दिया शेड्यूल वन में है और क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है और ये साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है, ठीक है। इसी के दूसरे नाम है, कई सारे नाम है इसके रेड हेडेड वल्चर के। क्या क्या नाम है, जैसे कि एशियन किंग वल्चर, इसको क्या बोलते हैं, एशियन किंग वल्चर भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ब्लैक वल्चर भी बोलते हैं, इंडियन ब्लैक वल्चर भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, पोंडीचेरी वल्चर भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोंडीचेरी वल्चर भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, तो हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, कयात्सुका साची केरिम क्या है, तो याद रखना है ये क्या है, एक मेराइन रेप्टाइल की स्पीसीज है, क्या है, एक मेराइन रेप्टाइल की स्पीसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एक मीटर लॉन्ग स्कल होती है, ठीक है, याद रखना। और ये लास्ट सर्वाइविंग इस्थियोसोरस एंशियंट एनिमल है जो मेनली स्वॉर्ड फिश की तरह दिखता है, ठीक है। ये क्या है, इस्थियोसोरस की स्पीसीज है ये, मतलब एंशियंट एनिमल जो उसकी लास्ट सर्वाइविंग स्पीसीज है, और मेनली किसकी तरह दिखता है, ये स्वॉर्ड फिश की तरह दिखता है, ठीक है, किसकी तरह, स्वॉर्ड फिश की तरह दिखता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर आ जाता है ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, सेडिशन लॉ के बारे में लगा कि एक बेलेबल ऑफेंस है, बिल्कुल भी नहीं है, क्या है, बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। सेक्शन 124A के अंदर इसमें 3 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और गवर्नमेंट जॉब इसमें नहीं मिलेगी अगर आप इसके अंदर चार्ज हो तो, बिल्कुल। तो ये सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे, हमें क्या बोल रखा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताना है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मेनली एनपीएस को खरीदता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बैंक्स रादर देन गोइंग आफ्टर द डिफॉल्टर्स बाय वेस्टिंग देयर टाइम एंड एफर्ट्स कैन सेल द बैड एसेट्स टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एट म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू, बिल्कुल यही तो होता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है एन ARC कैन इशू बॉन्ड्स डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो ARC है वो बॉन्ड इशू भी कर सकती है, बिल्कुल वो कुछ भी कर सकती है बाद में उसको खरीदने बेचने के बाद। तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी के बारे में बताना है। सबसे पहले है ये सेंट्रल एजेंसी के अंडर काम करती है, ठीक है, क्या है ये, सबसे पहले क्या है, सेंट्रल एजेंसी के अंडर ही हमारी काम करती है। विद ईच स्टेट हैविंग इट्स ओन स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, बिल्कुल। इट विल टेक कंट्रोल ऑफ बजटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, बिल्कुल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो करेगी। थर्ड है नालसा, लाइक नालसा NJAI placed under Supreme Court, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज़ को कि प्रपोज जो NJAI है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर प्लेस की जाएगी, लेकिन जो ये है ना, ये पहले नालसा है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं है, ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर है और ये किसके अंडर रखी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंडर रखी जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये हमारी नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी है, उसमें स्टेट्स में भी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसको कंट्रोल करेगी, बजटिंग को कंट्रोल करेगी, और मेनली सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगी, लेकिन जो ये नालसा है ये किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 39। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखा है कि इसको लेने के लिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कर होने चाहिए। मेनली ये स्कीम किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। तो ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। एक तो उनकी मंथली इनकम 15,000 से नीचे होनी चाहिए और 18 से 40 साल के बीच में वो होने चाहिए, ठीक है। और मेनली क्या होना चाहिए, आपको एक तो मैंडेटरी फोन नंबर देना है आपको, ठीक है, एक तो मैंडेटरी आपको क्या देना है, उसके अंदर फोन नंबर देना है, बैंक अकाउंट आपको सेव होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए,
ठीक है, आधार नंबर होना चाहिए, तीन चीज़ आपकी इसमें मैंडेटरी हैं। दूसरी चीज़, जो भी कोई भी काम कर रहा होगा या किसी और पेंशन स्कीम के अंडर होगा वो इसमें भाग नहीं ले सकता। दूसरी चीज़, वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर हम बात करें जो ये श्रम योगी मानधन योजना, ये कौन सी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखना ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मेनली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मेनली इसको मॉनिटर करेगी, ठीक है। LIC और मतलब मेनली LIC और जो कॉमन सर्विस सेंटर है उनके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। LIC और कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसकी मिनिस्ट्री है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, ठीक है। और मिनिमम कितनी पेंशन अश्योर्ड है, लगभग 3000 पेंशन, 3000 रुपये जो पेंशन है 60 साल के बाद हर एक पर्सन को मिलेगी अगर आप ऐसा करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 40 आंसर क्या हो जाता है हमारा, बी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे, हमें बताना है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के बारे में। इसके बारे में, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के बारे में बताना है। सबसे पहले बात की गई है कि ये जो फंड है ये 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था, सबसे पहले 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था, बिल्कुल ही 1999 में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरी चीज़ है, इसको बोल रहे हैं प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता, बिल्कुल भी नहीं, इसको प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर नहीं करता, इसको करती है एडमिनिस्टर कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसको कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एडमिनिस्टर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एडमिनिस्टर करती है अंडर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड रूल्स 2021, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड रूल्स 2021 के अंडर इसको क्या करती है, एडमिनिस्टर करती है, जो प्रेसिडेंट ने बनाए थे आर्टिकल 283 के अंडर, ठीक है। वो रूल्स बनाए थे उनके थ्रू एडमिनिस्टर होता है, ना कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। फर्स्ट करेक्ट, थर्ड देख लेते हैं। ये बोल रखे हैं कि इट, इसके जो ट्रांजेक्शन है वो फिस्कल डेफिसिट ऑफ सेंटर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो याद रखना, ये जो NSSF है ये मेनली किस में जाती है, पब्लिक अकाउंट में जाती है, तो मेनली ये फिस्कल डेफिसिट को इम्पैक्ट नहीं करती है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, थर्ड भी रॉन्ग है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। ये समझ में आ गया नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के बारे में, कब एस्टेब्लिश की गई, किसके अंडर की गई और कौन किसने की है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, 42 हमें क्या बोलता है, सबसे पहले बोल रखा है ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन के बारे में बोल रखा है कि ये मेनली क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हमें क्या बताना है, सबसे पहले देख लो ये इनकरेक्टली मैच बताना है, तो आपको एक चीज़ बतानी चाहिए, ब्लू हाइड्रोजन मेनली कहाँ से निकलती है, नेचुरल गैस से निकलती है, किससे, नेचुरल गैस से मेनली निकलती है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी ब्राउन हाइड्रोजन, जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो हमारी कहाँ से निकलती है, कोल से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। थर्ड है कि हमारी ग्रे हाइड्रोजन, देखो जो ग्रे हाइड्रोजन है हमारी, जो हमारी ग्रे हाइड्रोजन है वो मेनली कहाँ से निकलती है, वो भी हमारी मेनली नेचुरल गैस से ही निकाली जाती है, ठीक है। और इसके जो एमिशन्स है वो हवा में ही छोड़ दिए जाते हैं, उसको कैप्चर नहीं किया जाता है, याद रखना उसको कैप्चर नहीं किया जाता है, डायरेक्ट एयर में उसको छोड़ दिए जाते हैं और मेनली नेचुरल गैस से निकाली जाती है। लेकिन जो ब्लू हाइड्रोजन कैप्चर की जाती है ना, नेचुरल गैस से जो बनाई जाती है ब्लू हाइड्रोजन, उसको क्या किया जाता है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज किया जाता है, ठीक है, याद रखना उसको कैप्चर एंड स्टोरेज किया जाता है, ब्लू हाइड्रोजन का कैप्चर एंड स्टोरेज किया जाता है जो नेचुरल गैस से बनाई जाती है। ग्रे हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस से बनाई जाती है, लेकिन इसका, इसको डायरेक्ट हवा में छोड़ दिया जाता है, इसको कैप्चर और स्टोरेज नहीं किया जाता, और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो अब आप देख लो, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो हमारी इनकरेक्ट है और हमारी सेकंड जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताना है। इट फॉर्म्स इनविजिबल रिपल्स इन स्पेस ओनली व्हेन टू ब्लैक होल, देखो ये बोल रहे हैं कि केवल और केवल जब दो ब्लैक होल मर्ज करते हैं तभी ये ग्रेविटेशनल वेव वो होती है, बनती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पे ग्रेविटेशनल वेव बन सकती हैं, जैसे कि कोई अगर जो स्टार है वो सुपरनोवा में एक्सप्लोड करता है तब बन सकती हैं, कोई दो स्टार एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के ऑर्बिट कर रहे हैं तब निकल सकती हैं, दो ब्लैक होल्स जब मर्ज करते हैं तब ये निकल सकती हैं, न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल जब मर्ज करते हैं, मान लो ये न्यूट्रॉन स्टार है ये ब्लैक होल है, दोनों मर्ज करते हैं तब भी ग्रेविटेशनल वेव निकल सकती हैं, तो केवल एक ही तरीके से नहीं निकलती हैं। सेकेंड है, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती स्पेस में वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मैग्नेटिक वेव्स हैव नो रीच, अच्छा दे कैन नॉट पेनिट्रेट इन द रीजन्स ऑफ स्पेस, जहाँ पे EM जो है वेव हैव नो रीच, जहाँ की उनकी रीच नहीं होती वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकती है। तो ध्यान रखना, ये देखो इट कैन नॉट नहीं, इट कैन, ये स्टेटमेंट याद रखना, ये इट कैन है, ठीक है, इट कैन पेनिट्रेट, ये पेनिट्रेट कर सकती है, ऐसा नहीं है ये नहीं कर सकती है, तो कहीं पे भी पेनिट्रेट कर सकती है जहाँ पे EM वेव नहीं कर सकती, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, इट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, बोल रहे कि ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, क्या करती है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है।
ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे रोंग है। और सबसे पहले इसको किसने प्रपोज किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सी थ्योरी से? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी और उसके थ्रू इन्होंने बताया था कि ग्रेविटेशनल वेव बनेंगी। ठीक है, और सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव को जो एक्चुअल डिटेक्ट किया था वो किसने किया था? लीगो ने। किसने किया था? लीगो प्रोजेक्ट, आपने सुना होगा। ठीक है, जो 2015 में चला था, 2015 में था लीगो प्रोजेक्ट, उसने किया था। आपको एक पता है लीगो प्रोजेक्ट न्यूज़ में क्यों? क्योंकि लीगो इंडिया लीगो की एक जो तीन मेनली जो ऑब्जर्वेटरी है उसमें से एक ऑब्जर्वेटरी इंडिया के महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश करने की बात चल रही है, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने की ऑब्जर्वेटरी है। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्या बोल रहा है? हमें बताना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। बी आर अम्बेडकर के बारे में हमें बताना है। तो अगर हमें बी आर अम्बेडकर के बारे में बताना है तो देख लेते हैं। सबसे पहले है कि ही बिलीव्ड दैट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू जो हैं वो तभी रिजोल्व होंगे जब हम सोशल जस्टिस को अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, वो तीनों राउंड टेबल में गए थे और फोर्सफुली उन्होंने अनटचेबल्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोजेक्ट किया था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कहा था कि इंडियंस को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर जी के बारे में सही हैं। और गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, ये पूना पैक्ट हुआ था तो ध्यान रखना है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे? क्वेश्चन नंबर 45 पे। पोषण ट्रैकर के बारे में देखना है। पोषण ट्रैकर के बारे में क्या चीज़ सही है? सबसे पहले है इट वॉज सेटअप विद द एम ऑफ ट्रैकिंग एंड इम्प्रूविंग वेरियस सर्विसेज डिलीवर्ड एट आंगनवाड़ी एंड टू इंश्योर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशरी। बिल्कुल ये है। सेकंड, इट इज रोल्ड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसको किस मिनिस्ट्री ने डाला होगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट रोल आउट किया, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड, रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसमें कहा है कि इट इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव इनिशिएटिव इन एड्रेसिंग द चिल्ड्रन इशू। चिल्ड्रन के इशू को सोल्व करने में ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है। तो याद रखना, इसने कहा है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दिया उसने इसके बारे में काफ़ी सारे इशूज़ उठाए हैं, उसने इसके बारे में काफ़ी सारे इशूज़ बताए हैं। ये नहीं कहा कि अच्छे से काम कर रही है, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं, ये इसने बताए हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी तो केवल और केवल हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बचती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। ठीक है, पोषण अभियान के, ये पोषण अभियान के अंदर ये पोषण ट्रैकर। ठीक है, पोषण अभियान आपको पता ही है, मेनली न्यूट्रिशनल आउटकम जो चिल्ड्रन में है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, उनमें न्यूट्रिशनल आउटकम को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट की गई थी। 2018 में स्टार्ट की गई थी और मेनली स्पेसिफिक टारगेट्स थे कि हम 2022 तक काफ़ी सारे टारगेट्स रखे हुए थे, जैसे कि स्टंटिंग और वेस्टिंग को हमें हर साल 2% कम करना है, माल न्यूट्रिशन को हमें हर साल एनीमिया को हमें हर साल 3% रिड्यूस करना है, स्टंटिंग और वेस्टिंग को हमें 2% रिड्यूस करना है हर साल। ठीक है, और मतलब लगभग स्टंटिंग को हमें कितना कर देना है? 38% से 25% कर देना है 2022 तक, समथिंग ऐसा भी एक इनिशिएटिव था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। और ये कितने साल के बच्चे? 0 से 6 साल के बच्चों तक के लिए था ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे? 46 पे। हमें बताना है परवो वायरस के बीच में के बारे में। परवो वायरस बोल रहे हैं कि एक क्या है, ये बोले कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ है। ठीक है, कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ हम बोल रहे हैं जो मेनली मंकीज़ और ह्यूमन्स से अफेक्ट होती है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखो, कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ तो है लेकिन ये किस में होती है? पपीज़ में होती है, डॉग्स में और पपीज़ में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डॉग्स में और पपीज़ में होती है। जो लेटे रहते हैं ना उनके साथ, डॉग्स के साथ, पपीज़ के साथ, वो थोड़ा देख लो, एक वायरल डिजीज़ भी होती है इनसे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हैं। मतलब ब्लडी डायरिया, वोमिटिंग, ड्रास्टिक वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें उसको हो जाएंगी और 90% मोर्टेलिटी रेट है इस बीमारी का। ठीक है, कुत्तों में होती है, बस ध्यान रख लेना, ये आदमी में नहीं होती है। परवो वायरस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बारे में। बोले कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी यूएन के बाद। ठीक है, यूएन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके परमानेंट डेलीगेशन है यूएन में और यूरोपियन यूनियन में, बिल्कुल है। और ग्रोइंग इकोनॉमिक और एनर्जी इंटरडिपेंडेंस विद इंडिया इंपॉर्टेंट। अभी इंडिया क्या है इसके लिए, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें करता है, तो इंडिया क्या बन गया है इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट
पार्टनर बन गया, बिल्कुल बन गया है। सबसे पहले ये मतलब इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, 30, ठीक है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, 30। अगर हम इसके अभी मेंबर्स की बात करें वो कितने हैं, 57 मेंबर्स हैं। अगर हम इसके परमानेंट सेक्रेटरीट की बात करें तो वो कहाँ पे, जेदा सऊदी अरेबिया में, कहाँ पे, जेदा सऊदी अरेबिया में इसके परमानेंट सेक्रेटरीट है। इसके अलावा पहली इसकी जो समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, मोरक्को में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट OIC चार्टर कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट वो चार्टर। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी कंप्लीट, किसके बारे में हमारी, और मेनली ये क्या है, कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, क्या है ये, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, कलेक्टिव वॉइस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। तो आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 40, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे, हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताना है। सबसे पहले है इलेक्शन कमीशन इंसुलेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंसेज, जो इलेक्शन कमीशन है वो इंसुलेटेड है किसके, किससे, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से। तो कैसे है भाई, उसका तो जो इलेक्शन है वही कौन करवाता है, मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ही एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, अपॉइंट ही वो करते हैं, तो इंसुलेटेड कैसे है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड है ये कमीशन है जो मेनली इलेक्शन शेड्यूल को डिसाइड करता है इलेक्शन करवाने के लिए, बिल्कुल। और डिसीजंस ऑफ कमीशन कैन बी चैलेंज्ड जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, इसके जो वो डिसीजंस है वो क्या हो सकते हैं, चैलेंज हो सकते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। और मैंने आपको बताया था 1989 तक केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन 1989 में क्या हुआ, एक आपको पता है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, मेरे को बताना 61st था कि कौन सा था। 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें जो वोटिंग एज है वो 21 से लेके घटा के कितने कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। तो आप ऐसा मान सकते हो कि जब 21 से उसकी जो एज है वो 18 की, जब 18 की उसकी एज, तो मेन चीज़ क्या थी कि 1989 में जो इलेक्शन कमीशन की संख्या वो भी बढ़ा के एक से कितनी कर देगी, 3 कर देगी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की संख्या बढ़ा के एक से 3 मेंबर बॉडीज को बना दिया गया। मेनली इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इनका फिक्स टेन्योर होता है 6 ईयर्स का, ठीक है। स्टेटस सैलरी पर्क्स इसके किसके इक्वल होते हैं, स्टेटस सैलरी पर्क्स इनके होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होते हैं, ठीक है। इनको मतलब रिमूव कैसे किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है। उसके बाद इनमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 324 से आते हैं इसके, आर्टिकल 324 से 329 तक के आर्टिकल आते हैं इसमें। आर्टिकल 329 में क्या लिख रखा है, 329 में लिख रखा है कि कोर्ट्स इनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते इलेक्टोरल मैटर्स में, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार टू 329 में क्या लिखा है, बार टू जो इंटरफेरेंस, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है। ये आर्टिकल 29 में लिखा हुआ, 329 में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48। आ जाते हैं किस पे, 49 पे आ जाते हैं। क्या बोलता है हमें आर्टिकल 82 जो है वो बताता है कि पार्लियामेंट को इनेक्ट करना है डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही, आर्टिकल 82 में ऐसा लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 170 में स्टेट के लिए ऐसा लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। तो आंसर क्या आ गया, सी। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है जो भी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं, लिमिट्स हैं, उसको फिक्स करना, ठीक है, किसी भी स्टेट के अंडर, जो कि क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसका कंपोजिशन किसके एक्ट होता है, डिलिमिटेशन एक्ट जो होता है हमारा, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो होता है 2002 का, उसके अकॉर्डिंग होती है इसका कंपोजिशन, ठीक है। ये एक 3 मेंबर बॉडी है, ये भी क्या है, तीन मेंबर बॉडी है, जिसमें एक होते हैं चेयरपर्सन, जिसमें एक होते हैं चेयरपर्सन जो क्या होते हैं, सर्विंग या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, ठीक है। जो सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं वो उसमें होते हैं एक चेयरपर्सन, और क्या होते हैं इसमें, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन, जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करवाएं, और एक होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन एज एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, एक होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, और एक चेयरपर्सन जिनको जो होते हैं रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज। तो ध्यान रखनी है इनका कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा आंसर हो गया सी है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, ओपन एग्रीगेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में बताना है। तो देखो ओपन एग्रीगेज लाइसेंसिंग पॉलिसीज में जो कंपनी है वो किसी भी एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे ले सकती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर एरिया किया जा सके, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े और हमारे इंपोर्ट्स कम हो, बिल्कुल यही है इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। और चीज़ ध्यान रखना है, ये किसके अंडर लॉन्च की गई है, हेल्प, एक आपने सुना होगा हेल्प,
हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी जो 2017 में आई थी उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। कोई कंपनी चाहे जो उसी एरिया में के, फिर उसको बाद में क्या कर दिया जाएगा, उसको बाद में वो बीडिंग के थ्रू उसको ऑफर कर दी जाएगी, ठीक है। कंपनीज जो है उनको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में रखा जाएगा किसी भी एरिया के थ्रू आउट द ईयर, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये कितनी बार एकमलेट किए जाएंगे, थ्राइस इन ईयर, एक साल में 3 बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को एकमलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है किसके बारे में, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में, पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आज के लेक्चर को अच्छे से देखने के लिए।